नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं भारत माँ के 20 सपूत जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, उन सभी सपूतों को सलाम करता हूँ। साथियों, आज मैं 3 मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। मेरा पहला मुद्दा यह है कि मैं पिछले 2 दिनों से भाजपा के नेताओं को टीवी पर बार बार 1962 का जिक्र करते सुन रहा हूँ। मैं उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि 1962 में मात्र 15 साल हुए थे देश को आजाद हुए, इसके बावजूद भी हमारी सेनाओं ने जंग लड़ी थी, घुटने नहीं टेके थे। मेजर शैतान सिंह जो मारवाड़ के लाल है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी पर भाग के नहीं आए थे। आप बार बार 1962 का जब जिक्र करते हैं तो शहीदों के परिवार जो है उनको अपमानित करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? और 1962 के मात्र 5 साल बाद 1967 भी आया था, जब भारत की वीर सेना ने चीन के अंदर घुस के 350 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मारकर अपना बदला लिया। मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि क्यों बार बार सरकार मुद्दों को भटकाकर अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है? क्यों प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी बाहर आके ये नहीं बताते हैं कि ये 20 सैनिकों की ने जो शहादत दी वो किन परिस्थितियों में शहादत हुई? भारत माता के कितने वीर सपूत और कितने अधिकारी आज लापता है, ये क्यों नहीं बताया जाता है हमको? कितने वीर सपूत गंभीर रूप से घायल है, इसके बारे में क्यों विवरण नहीं दिया जाता भारत की सरकार के द्वारा? और मेरा तीसरा मुद्दा ये है कि जब आज पूरा देश भारत की वीर सेना और भारत की सरकार के साथ खड़ा है तो सरकार क्यों बैठी हुई है? भारत के प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी देश को विश्वास में क्यों नहीं लेते? क्यों हमें सीमाओं की हकीकत नहीं बताते? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत का हर बेटा, भारत का हर नागरिक एक इंच भी भूमि भारत माता की किसी भी विदेशी देश को देने को तैयार नहीं। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि सवाल पूछने से देशभक्ति कम नहीं होती, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ सही सवाल पूछकर सरकार को चेताना ही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद।